गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं रति श्रीवास्तव क्रॉसफिट गर्ल्स कॉलेज से आपकी कॉमर्स टीचर। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है मुद्रा के ऐतिहासिक विकास की अवस्थाएं, यानी कि जो मुद्रा का विकास हुआ है वो मानव की सभ्यता के साथ साथ परिवर्तित होता रहा है। जैसे जैसे मानव की सभ्यता विकसित होती गई वैसे वैसे ही मुद्रा का रूप भी परिवर्तित एवं संशोधित होता गया है। मुद्रा के जो इतिहास है उसको हम लोग 5 चरणों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है वस्तु मुद्रा का युग। प्रारंभ में मुद्रा का विकास वस्तु मुद्रा के रूप में हुआ था। भारत, रोम तथा यूनान आदि देशों के इतिहास को देखने से पता चलता है कि प्राचीन काल में विभिन्न वस्तुओं को मुद्रा के रूप में प्रयुक्त किया जाता रहा है। समय के साथ साथ वस्तु मुद्रा का स्वरूप भी बदलता रहा है, जैसा कि निम्न विवरण से स्पष्ट है। वस्तु मुद्रा के युग में क्या हुआ था, मुद्रा का जो रूप था उसमें हम लोग वस्तुओं को प्रयोग करते थे। अब वस्तु मुद्रा के युग में सबसे पहला आता है आखेट युग। मानव सभ्यता के प्रारंभ में मनुष्य जंगली अवस्था में था। वह जानवरों का शिकार करके पेट भरता था तथा उनकी खालों को ओढ़ने, बिछाने तथा पहनने के काम में लाता था। इस युग में जानवरों की खालों, पत्थर व शिकार के हथियारों, हड्डियों, हाथी दांत, सीप, कौड़ियों आदि को मुद्रा के रूप में प्रयोग किया गया। आखेट युग में क्या होता था, मानव सभ्यता के एकदम प्रारंभ में था, एकदम जंगली अवस्था में रहता था। वो जानवरों का शिकार करता था और उनकी खालों को ही ओढ़ने या बिछाने के काम में लाता था। तो इसीलिए इस युग में जो जानवर की खाल थी, जो पत्थर व शिकार से जो उनको हथियार या हड्डियाँ मिलती थी, उनका इस्तेमाल वो मुद्रा के रूप में करता था। नेक्स्ट है चारागाह युग। सभ्यता तथा ज्ञान के विकास के साथ साथ मनुष्य ने पशुओं का शिकार करने के बजाय उन्हें पालना आरम्भ कर दिया। परिणामतः पशुओं का महत्व बढ़ गया, उनका प्रयोग मुद्रा के रूप में किया जाने लगा। इस युग में गाय, बैल, भैंस, बकरी, घोड़ा आदि पशुओं ने मुद्रा का कार्य किया। चारागाह युग में क्या हुआ था, धीरे धीरे सभ्यता का विकास हुआ, जिससे उनको ये लगा कि पशुओं को मारने के अलावा उनको पालना चाहिए, उसने उनको पालना शुरू कर दिया। और इस युग में बाद में गाय, बैल, भैंस, बकरी, घोड़ा इनको मुद्रा के रूप में प्रयोग किया गया। नेक्स्ट है कृषि युग। विकास की इस तीसरी अवस्था में मनुष्य ने खेती करना प्रारंभ कर दिया। जो महत्व पहले पशुओं को दिया जाता था वह अब अनाज को दिया जाने लगा, क्योंकि अनाज सभी के लिए आवश्यक था। कृषि युग में गेहूं, चावल, रुई, नमक, तंबाकू, अफीम, नारियल आदि वस्तुओं को मुद्रा के रूप में अर्थात विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग किया गया। कृषि युग में क्या हुआ था, उसने खेती करना शुरू कर दिया था और फिर उससे जो खेती से गेहूं, चावल, रुई, नमक मिलता था उससे उसने मुद्रा का काम किया। नेक्स्ट है शिल्प युग। इस युग में जो धातु के बर्तन या लोहे के हथियार बनते थे उनको मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है धातु मुद्रा का युग। वस्तु मुद्रा में क्या होता था, सिर्फ वस्तुओं का प्रयोग किया जाता था, जिससे कई प्रकार की कठिनाइयां आती थी। जैसे कुछ वस्तुएं क्या होती, नाशवान होती हैं, उनको हम लोग ज़्यादा समय तक संचय करके नहीं रख सकते। वस्तु के मूल निर्धारण में भी कठिनाइयां आती थी, इसलिए मुद्रा के रूप में जो प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तु की खोज की जाने लगी, जो शीघ्र नष्ट ना हो और मूल्यवान हो, और जो मतलब सब एक बराबर हो और सबको स्वीकार हो। तो इसमें सबसे पहले लोहा, सीसा, तांबा आदि धातु में मुद्रा के रूप में प्रयोग की गई, लेकिन लेन देन में इन बहुमूल्य धातुओं को छड़ों के रूप में काट काट करके दिया जाता था। तो इससे भी बहुत कठिनाई होने लगी, क्योंकि छड़ों के टुकड़ों को अलग नहीं किया जा सकता और उनकी कठिनाई को दूर करने के लिए धातु के सिक्के बनाए जाने लगे। इसीलिए वर्तमान समय में सोने व चांदी के सिक्कों का प्रचलन बन करके मिश्रित धातु के सिक्के बनाए जाने लगे हैं। फिर नेक्स्ट आता है पद मुद्रा का युग। धीरे धीरे क्या हुआ, धातु मुद्रा का महत्व भी कम होने लगा और उसमें अनेक दोष आने लगे। जैसे धातु को लगातार इस्तेमाल करने से उनके में घिसावट आने लगी, लोग चोरी करने लगे, सिक्कों को अपने मन से ले जाकर ढलाने लगे, तो उस पर ज़्यादा खर्च होने लगा। एक दूसरे स्थान पर ले जाने में धातु मुद्रा में जोखिम था, तो इसलिए धातु मुद्रा की कठिनाई को दूर करने के लिए पद मुद्रा का प्रारंभ हुआ। पद मुद्रा में क्या होता है, पद मुद्रा के पीछे 100% कोष रखा जाता है, जिससे कि कोई भी मूलवन धातु उसके बदले में बदली जा सकती है। आजकल सभी देशों में पद मुद्रा का ही चलन है। फिर नेक्स्ट है साख मुद्रा का युग। संसार में कुछ देशों में आर्थिक विकास इतनी ज़्यादा गति से हुआ है कि पद मुद्रा की जो आवश्यकताओं को पूरा करना संभव नहीं था, इसलिए बैंकिंग के विकास के साथ साथ साख मुद्रा का भी बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत भुगतान किया जाने लगा। साख पत्रों के अंतर्गत चेक, विनिमय पत्र, हुंडी आदि को शामिल किया गया।
फिर नेक्स्ट आता है ई बैंकिंग का युग तथा प्लास्टिक मुद्रा। ई बैंकिंग से आशय ऐसी बैंकिंग व्यवसाय से है जो इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के माध्यम से कार्य करता है। इसके अंतर्गत बैंक अपने ग्राहक को विभिन्न सेवाएं प्रदान करने हेतु ई बैंकिंग का भी सहारा देते हैं। ई बैंकिंग के साथ साथ एक नई प्रकार की मुद्रा भी अस्तित्व में आई जिसे कि हम लोग प्लास्टिक मनी कहते हैं। अब प्लास्टिक मनी होती क्या है? इस मनी से आशय बैंक, वित्तीय संस्थाएं या अन्य कंपनी द्वारा जारी किए जाने वाले क्रेडिट कार्डों से होता है। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, एक निर्धारित सीमा तक जो भी विक्रेता हैं वो बिना नगद के भुगतान कर सकते हैं और उनसे कुछ भी चीज़ें खरीद सकते हैं। आजकल पेट्रोल कार्ड प्राप्त करके पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल व डीजल का भी भुगतान क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों का निराकरण। इसे हम आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों।